खबर राजधानी के हरमाड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां निंदड़ गांव निवासी फूलचंद सैनी ने पप्पू लाल शर्मा नाम के एक युवक पर 20 लाख रुपए की उधारी के बदले 63 लाख रुपए वसूलने का मामला दर्ज करवाया था। वहीं शुक्रवार को पप्पू शर्मा ने झूठा मामला दर्ज करवाकर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए फूलचंद सैनी के खिलाफ हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है। मेरे घर पे बाबूलाल और बाबूलाल का लड़का दोनों आए और मुझे कहा कि मेरे दो पट्टे बेच वाली है रिद्धि सिद्धि नगर में जो टोल के पास पड़ती है, तो उसने कहा कि ये पट्टे मेरे बिकवा दे या तू खरीद ले,